हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं गोलापर जा रहा हूँ, जहाँ पर हमारा जो नया घर है वो बन रहा है, तो उसका लिंटर डल रहा है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मैं और राम बाबू तो यहाँ बातें कर रहा है। तो अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, उसके बाद वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या क्या चीज़ हो गई है और क्या चीज़ रह गई है, क्योंकि अभी भाई का फ़ोन आया है कि वहाँ पर थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं जा रहा हूँ वहीं पर। तो चलिए मिलते हैं वहीं पर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गोलापुल, और यहीं से रास्ता है मेरे घर के जाने का, जो अभी हमारा नया घर बन रहा है वहाँ जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, देखिए कितना अच्छा व्यू। और जो सामने है स्टेडियम, उसके सामने जस्ट हमारा घर है, अंदर जाके मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो यहीं से हम लोग जाने वाले हैं, ये रास्ता जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स बनने से पहले दोस्तों, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ से नहीं है, आगे से। ये है अंदर जाने का रास्ता, लैंडमार्क स्टेडियम। काम चल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, और अगर अभी काम पूरा नहीं किया तो फिर रात रहेगी, और इनको एक दिन के अंदर पूरा बनाना होता है। तो ये बना ही रहे हैं पूरा, देख सकते हैं यहाँ से लोग पूरा जो सीमेंट और रेता रहता है वो लेके जा रहे हैं, और वहाँ से पूरा मशीन के अंदर जाके फिर छत पर भेज रहे हैं। भाई लगा हुआ है, व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है चारों तरफ का। बहुत ही ज़्यादा शांत इलाका है, अच्छा है। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 11 बजे से काम स्टार्ट हो गया था यहाँ, और अभी 2-4 घंटे और लगेंगे, क्योंकि अभी आधा ही हुआ है। देखिए आप, यहाँ पर अभी आधा ही हुआ है हमारे घर का काम, और अभी काफ़ी बचा है। ये यहाँ तक लेंटर पड़ेगा, उसके बाद यहाँ सीढ़ियाँ बनेंगी, सीढ़ियाँ बनना बाकी हैं, और अंदर का ही काफ़ी काम बाकी है। तो लेबर तो अब काम करने लगी है, सारी लेबर तो सब अपने काम में लगी गई है और कर ही रहे हैं जो करने वाले हैं वर्क। देखिए ये भी, हाँ यहाँ पे ये लोग भी काम कर रहे हैं, और बस देखते हैं कितना टाइम और लगता है। बाकी थोड़ी देर रुका हूँ मैं, बाकी ये लोग तो अपना काम करते रहेंगे, भाई पापा मम्मी लोग सब लोग यहाँ पर है। तो दोस्तों काम चालू हो चुका है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी लोग काम करने लगे हैं, क्योंकि अभी तक तो इनका लंच चल रहा था, चाय नाश्ता वगैरह चल रहा था, तो अभी लोग काम करने लगे हैं। मैं दिखाया था यहाँ से लोग लेके आ रहे हैं सारा जो भी सामान है, माल वगैरह, और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर लेके आ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा भाई फिर बनने में से पूरा? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? 2 घंटे अभी और लगेंगे। हाँ जी, पूरा बन जाएगा 2 घंटे में? 2 घंटे में पूरा तैयार हो जाएगा। तो 2 घंटे इंतजार कर सकते हैं तुम्हारा? यहाँ भी मिस्त्री साहब लगे हैं अपना काम करने में बढ़िया से, और बाकी लोग भी सब लगे हैं।
दोस्तों जैसे कि यहाँ पर है हमारे दो कमरे और साइड हमारी किचन है, इधर लैट्रिन बाथरूम बनेगी और बैठक है। यहाँ पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? आलू मटर की सब्जी? सही तो है। तो हमारे घर के बगल में एक अम्मा का घर है, तो वहीं पर हम लोग मम्मी लोग खाना ना बना रहे हैं। वीडियो डाल देना। और क्या, चावल और क्या? चावल, पूरी, सब्जी। अच्छा, सब्जी कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। सही लग रही है। सब पानी आ जाएगा, सब मिक्स हो गई है। पानी डालो, पहले लाओ जी दूध। तो दोस्तों लेंटर पड़ने का काम तो पूरा हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं सब लेबर अब जा रही है। तो मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। और लो, अरे सीमेंट में है यार। क्या हो, नहीं जा पा रहा? तो आराम से चढ़ के जाना होगा क्योंकि जरा खतरनाक रास्ता है यहाँ का चढ़ने का। गिर गए तो महंगा हो जाएगा। हाँ, फिसलने वाला हो रहा है बहुत। तो ये देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग कर रहे हैं ये भैया। और मैं तो पूरा लिंटर दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा लिंटर डल चुका है। वहाँ से टैपर और था, वो कर दिया आपने? सही भैया। अभी सीढ़ी का काम कब होगा? सीढ़ी का काम कल होगा? आप तो कभी भी हो सकता है ना काम वो। हाँ, अभी ठंडा है ना, चक्कर से थोड़ा टाइम तो लगेगा इसे ना। भैया आप कहाँ रहते हैं वैसे? अच्छा, राजपुरा में रहते हो? भैया भी राजपुरा से ही हैं। अब नीचे जाता हूँ भाई, संभल के जाना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक हो रहा है रास्ता ये। हाँ यार, अरे बाप रे, रास्ता देख रहे हो कितना खतरनाक बना रखा है सीढ़ियों से। ये लोग काम कैसे कर रहे थे इतने टाइम से? मैं तो ये देख रहा था, बड़ी स्पीड से चढ़ रहे थे, बड़ी स्पीड से उतर रहे थे लोग। तो फाइनली नीचे आ चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ आगे से और पीछे से। तो ये चारों तरफ तो वैसे खेती है, अभी यहाँ बने नहीं है ज़्यादा मकान। देख सकते हैं दो चार मकान ही है यहाँ पर, बट जो हमारा घर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं पूरा बना हुआ है, इकलौता हमारा ही मकान है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर सब खेती खेती है और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब खुला एरिया है और मतलब रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, शांत माहौल है।